आज तुम्हारे विवाह के दिन तुम यहां हो मेरे पास। मरण है कुमार देवदत्त, उस दिन रंग भवन में मैंने भी विनती की, हाथ जोड़े गिड़गिड़ाई, पर आपने मनमानी की। आज एक स्त्री ने अपनी मनमानी की। तू यहां कैसे आई? बोल। मैंने तुम्हारी और कार्तिक की सारी बातें सुन ली। और मैंने ये निर्णय कर लिया था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं राजकुमारी यशोधरा की रक्षा करूंगी। अरे राजकुमारी जी, अच्छा अब हमें यही मिल गई। देखिए ना, युवराज कब से चौसर खेल रहे दूसरे कुमारों के साथ। युवराज यहाँ है, पर मुझे तो, मैं तो ये संदेश देने आई थी कि हल्दी लगाने के बाद आपको महल के बाहर जाना मना है। क्या सोच रही आप? कुछ नहीं। अरे राजकुमारी जी, आपके चुनर पे तो मेहंदी लग गई, आपको ये बदलनी होगी। चलिए मेरे साथ। मैं उनके साथ उनके कमरे में गई और उनकी चुनर मैंने ओढ़ ली। हालात से तुम्हारे सैनिक मुझे राजकुमारी समझकर यहाँ ले आए। गंजनी, तुझे पता नहीं है, तुझे पता नहीं है तूने क्या किया है। पता है, इस मनुष्य ने औरतों को सम्मान दिया है, उसके लिए एक छोटा सा काम किया है। युवराज की होने वाली पत्नी के सम्मान की रक्षा की है मैंने। अब तेरी रक्षा कौन करेगा? उस बात की चिंता होती तो यहां तक आते ही नहीं। चाहूं तो इसी क्षण तेरे प्राण ले सकता हूं। प्राण? वो तो उसी दिन खो दिए थे जिस दिन धनिका कहलाई। खेल तो तुमने बहुत अच्छा रचाया था कुमार, पर भाग्य के पास से पलटते देर नहीं लगती। भाग्य के पास से पलटते भी देर नहीं लगती ज्येष्ठ। तुम यशोधरा को कभी हासिल नहीं कर पाओगे। यशोधरा, इतना एक चित्त होकर क्या काम कर रहे हो प्रजापति? मैं ये देख रही हूँ कि ये आभूषण सिद्धार्थ के वस्त्र के अनुरूप है भी या नहीं। लेकिन ये काम तो लौशिका भी कर सकती है ना प्रजा? नहीं अमिता दीदी, मैं नहीं चाहती कि सिद्धार्थ के विवाह में कोई त्रुटि रह जाए। अंततः ये महाराज शुद्धोधन के पुत्र का विवाह है। परंतु एक त्रुटि है महादेव। वो क्या देव? मैंने भारतवर्ष के सारे राजा महाराजाओं को विवाह का निमंत्रण भेज दिया है, परंतु एक राजा रह गया। आप किसकी बात कर रहे हैं देव? तुम्हारे छोटे पुत्र की।
प्रजा, सिद्धार्थ के पालन पोषण में तुम इस तरह डूब गई कि तुम भूल गई कि तुम्हारा भी अपना कोई पुत्र है। किसी ने ताना क्या मार दिया कि सौतेले पुत्र का ध्यान कैसे रखोगे? तो अपनी संतान की बलि चढ़ाती, दूसरा पुत्र हुआ तो उसे आंखों से दूर कर दिया, ये कहकर कि जब तक सिद्धार्थ बड़ा नहीं हो जाता तब तक मैं उसे वापस नहीं बुलाऊंगी। मैंने माया दीदी को वचन दिया था कि मैं सिद्धार्थ का ध्यान रखूं। लेकिन अब सिद्धार्थ बड़ा हो गया है प्रजा। वो भी बड़ा हो गया होगा। सिद्धार्थ का ध्यान अब गोपा रखेगी और तुम भी अपने पुत्र को बड़ा होते हुए देखना। मुझे तो अब ये भी ज्ञात नहीं कि मैं उसे क्या कह के पुकारूंगी। नंद, नंद कहकर पुकारो उसे। नंद। माँ। मेरी माँ हो, तुम बांसुरी बजाती हो, मुझे सिखाओगी? भैया, कहते हैं कि एक स्त्री दूसरी स्त्री का बखान होते नहीं सह सकती, पर आज जगत की सारी स्त्रियां इस स्त्री के सामने नतमस्तक हैं। देवदत्त, महल लौट आए? नहीं मंजली रानी, रात की गए हैं, अभी तक नहीं लौटे। केले ले, तो जानती है इसमें क्या है? और तू अच्छी तरह से जानती कि तुझे क्या करना है। जाओ यहां से। मंगला दीदी, नहीं हुई वहां महादेवी कब से आपके बारे में पूछ रही हैं? और आपके वस्त्र कामुका जी, मैं तो कब से कह रही हूं, परंतु मंजली रानी है कि कुछ सुन। मेरी टिटोली कर रही है, कुमार देवदत्त का विवाह हो रहा है जो मैं श्रृंगार करूं? नहीं चाहना मुझे किसी भी विवाह में। जा यहां से। मंजली रानी,
अमिता बुआ, ये आप क्या कर रहे हो? तुम्हारे भैया की नजर उतार रही हूँ छोटे राजा, मेरे जवाई को किसी की नजर ना लगे। अरे बुआ, यशोधरा की तो नजर लगी है, इसलिए तो युवराज आपके जवाई बने। अब ये क्या है? जवाई के गले में घेरा। लो, बंद गए सिद्धार्थ भैया, अब इसे छुटकारा नहीं है। सोच लो। वाह, देखो तो कितना गहरा रंग आया है, अर्थात युवराज सिद्धार्थ का प्रेम भी उतना ही गहरा होगा। अरे तुम लोग मेहंदी के रंग को छोड़ो, युवराज सिद्धार्थ मंडप में आ चुके हैं। जल्दी करो, युवराज मंडप में आ गए हैं और माँ भी बुलाने आई रही होगी। देखो तो कितनी जल्दी है राजकुमारी जी को मंडप में बैठने की। विभा जी, मंगला दीदी नहीं आई? नहीं महादेव। क्यों? वो विवाह में सम्मिलित नहीं होंगी। लेकिन क्यों? मैंने कहा था ना, मंगला विवाह में कोई विघ्न न उत्पन्न करे तो ही अच्छा। अमिता दीदी, आप चिंतित ना हो, मैं आपके बड़े भैया के साथ जाती हूँ, फिर देखती हूँ कि मंगला दीदी कैसे रूठी रहती हैं। देव, दीदी आपने अब तक श्रृंगार नहीं किया? सिद्धार्थ कब से मंडप में पहुंच गया है? चलिए उठिए, देवदत्त भी न जाने कहां चला गया। उठिए मंगला दीदी। नहीं महादेवी। क्या हुआ मंगला? मैं पुनः अपनी जग हसाई नहीं करवाना चाहती महाराज। जग हसाई? अर्थात? वर्षों पहले हर्ष में आकर मैंने सबसे कह दिया था कि मेरा ब्याह शाक्य शिरोमणि महाराज शुद्धोदन के साथ होने वाला है। परंतु मेरी जगह साई हुई, यदि आज मैं विवाह में आई तो लोग मुझ पर हंसेंगे नहीं, कहेंगे मंगला को तो कोई लाज लज्जा है ही नहीं, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। मेरे पुत्र देवदत्त का विवाह यशोधरा के साथ होगा, परंतु उसका विवाह तो आज सिद्धार्थ के साथ हो रहा है। तो क्या सिद्धार्थ आपका पुत्र नहीं है मंगला दीदी? यदि आप विवाह में नहीं आई तो क्या कहेगी कपिलवस्तु की प्रजा? क्या कहेंगे लोग कि राज परिवार में इतना कलह क्लेश?
रही कलह कलेश कोई ना देखे, इसीलिए तो युवराज को समझाया था एक कन्या के लिए दो भाइयों में इतना संघर्ष क्यों। परंतु आपने भी उन्हें नहीं रोका, उलट स्वयंवर के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। क्योंकि अब मेरे देवदत्त के लिए आपको पहले जैसा स्नेह नहीं रहा। गलत धारणा है तुम्हारी। मेरे लिए आज भी देवदत्त और सिद्धार्थ में कोई अंतर नहीं। हाँ मंगला दीदी, महाराज के लिए आज भी वो दोनों कपिल वस्तु की दो आंखें हैं। सत्य कहा महादेवी, दो आंखें हैं, परंतु एक दाहिनी और दूसरी बाई, एक शगुन तो दूसरी अपशगुन। एक शाक्यों के सिंहासन पर बैठेगा और दूसरा वही सिंहासन के सामने नतमस्तक। युवराज को यशोधरा मिली, सिंहासन मिलेगा, और मेरे देवदत्त को मैंने निश्चय किया था कि जब सिद्धार्थ का राज्याभिषेक होगा तब देवदत्त के नाम पर भी उत्तर का प्रदेश कर दिया जाएगा, ताकि दोनों कुमार अपने अपने शाक्य सीमाओं का विस्तार कर सकें और शाक्य संघ में हमारा वर्चस्व ऐसा ही बना रहे। क्या मैं इसे एक वचन समझूं? क्या आपको महाराज के वचन पर संदेह है? युवराज, तुम मंडप छोड़कर यहां क्यों चले आए? क्योंकि आपसे एक प्रश्न करना था। प्रश्न? क्या नाते केवल रक्त के होते हैं? यदि वो रक्त के ना हो तो संबंध नहीं होते। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं आपकी गोद में खेला हूं, ज्येष्ठ के पीछे पीछे दौड़ा, काकाश्री से बहुत कुछ सीखा है मैंने। काकी मां, माना कि ज्येष्ठ और आप मुझसे और गोपा से क्रोधित हैं, क्योंकि आपके मना करने पर भी मैंने स्वयंवर में भाग लिया। किंतु मैं ऐसा नहीं करता तो हम तीनों के प्राण पीड़ा से तड़पते, क्योंकि गोपा मुझसे प्रेम करती। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप हमेशा हमारे साथ रहें। आपका आशीर्वाद मेरे लिए उतना ही मूल्यवान है जितना ज्येष्ठ के लिए। अरे उठो सिद्धार्थ, ये क्या कर रहे हो? इस महल में सबको क्या हो रहा है? अरे लोग तो राय का पहाड़ बना देते हैं। मैं तो बस तुम्हारे ज्येष्ठ की चिंता में थी, इसलिए श्रृंगार करना भूल गई। अन्यथा तुम्हारा विवाह हो और तुम्हारी काकी मां ना आए, ऐसा हो सकता है? महादेवी कुछ समझाइए ना इसे। आप जाइए, मैं शीघ्र ही आती।
कौशल नरेश महाराज प्रसन्न जीत की। 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 पधारिए पधारिए महाराज प्रसन्न जीत। शाक्यों के कपिल वस्तु में आपका स्वागत। आपको रथ से उतरते देखा तो एक पल यही लगा कि शत्रु का रथ यहां कैसे। हम तो भूल ही गए थे कि संधि करके आप अब हमारे मित्र हो। हम मित्र के साथ मित्र हैं, शत्रु के साथ शत्रु, परंतु आदर हम दोनों का करते हैं। यदि ये बात सत्य है कि आप हमारे मित्र हैं, तो हमारे साथ द्वार पर खड़े होकर हमारे अतिथियों का स्वागत इन फूलों से कीजिए। लीजिए। क्या मैंने कुछ अनुचित कहा मित्र? नहीं राजा द्रोणदंड, आज मंगल अवसर आपके द्वार पर है, कल हमारे द्वार पर हो सकता है। कपिल वस्तु में आपका स्वागत है कौशल नरेश। कौशल नरेश, राजा प्रसन्न जीत, आपका आना हमारी मित्रता के लिए अत्यंत शुभ संकेत है। पहले हम मनुष्यता के शुभ संकेत से तो मिलने, कहाँ है युवराज सिद्धार्थ? आइए महाराज, आइए। कौशल नरेश महाराज प्रसन्न जीत की। 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 आपकी उपस्थिति ने कौशल और शाक्यों की मित्रता पर मोहर लगा दी महाराजा प्रसन्न जीत। स्वागत है आपका। अच्छा हुआ आप शीघ्र आ गए, हमारे ज्येष्ठ देवदत्त अभी तक आए नहीं, तो आपको ही वर के मित्र के कर्तव्य निभाने होंगे। आइए। कौशल नरेश महाराज प्रसन्न जीत की। कौशल नरेश महाराज प्रसन्न जीत की। कौशल नरेश महाराज प्रसन्न जीत की। कन्या को बुलाइए। महाराज, कुछ शास्त्री राजा आपसे मंत्रणा करना चाहते हैं। मंत्रणा इस समय? हाँ भाई महाराज, आइए।
क्या शाक्य राजाओं के मान सम्मान में कोई त्रुटि रह गई जो? महाराज शुद्धोधन, आपने पुनः मनमानी की है। मनमानी? शाक्यों के शत्रु प्रसन्नजीत को आपने विवाह में कैसे आमंत्रित किया? परंतु वो शत्रु के रूप में नहीं मित्र के रूप में आया है। परंतु कौशल नरेश के साथ मित्रता या शत्रुता, इसका निर्णय तो शाक्य संघ की बैठक के पश्चात होना है। फिर आपने प्रसन्नजीत को विवाह में आमंत्रित कैसे किया? युवराज सिद्धार्थ ने हमसे अधिक सम्मान प्रसन्नजीत को दिया। हाँ, उसको अधिक सम्मान देकर हमें अपमानित किया है। अपमानित किया है आपने? अपमानित किया है? आप मेरा विश्वास करें, मेरा हर प्रयास शाक्यों के हित में होता है, ना कि उनके विरोध में। क्षमा करें महाराज, हमें आपका यह प्रयास दिखाई नहीं देता। नहीं दिखाई देता। आपको प्रसन्नजीत की मित्रता मुबारक। अब हम और यहाँ नहीं ठहर सकते। हमारे गुरु कहते थे कि भोज पत्र पर यदि राजनीति लिखा, उसे उल्टा कर देखो तो कूटनीति नजर आती। आपने शाक्य राजा की राजनीति देखी है, कूटनीति नहीं। हमने उसे विवाह का आमंत्रण दिया, परंतु उस आमंत्रण को स्वीकार कर लाचार होकर प्रसन्नजीत को कपिलवस्तु आना पड़ा, ये नहीं देखा। अश्वमेघ की इच्छा रखने वाला नरेश कैसे सबसे आंख मिलाएगा, ये नहीं देखा। आपने हमारा दिया हुआ सम्मान देखा, परंतु होने वाला अपमान नहीं देखा। वरमाला पहनाने का समय हो गया है। लौशिका, युवराज इसे कुचल देना चाहिए। बिच्छू है, शत्रु है। यह शत्रु नहीं, मात्र एक जीव है। जिस तरह हम मनुष्य अपने बचाव के लिए शस्त्र उठाते हैं, उसी तरह यह जीव आत्मरक्षण के लिए डसते हैं। यह जीव मात्र की स्वभावगत भीरुता है कौशल नरेश, और कुछ नहीं। चन्ना, जाओ इसे बाहर वन में छोड़ा। अरे शिव 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 शिव। युवराज, हमने आज तक आप जैसा मनुष्य नहीं देखा जो बिच्छू पर भी दया करे। मगध नरेश की जय।
मगध नरेश की। भाई महाराज, मगध नरेश महाराज बीबी सार आ चुके हैं। चलो। मगध नरेश की जय। 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 मगध नरेश की हमारा आमंत्रण स्वीकार कर यहाँ उपस्थित होना हमारे लिए अभिमान की बात है मगध नरेश। उपस्थित तो होना ही था, पराक्रमी राजाओं की संगत किसे अच्छी नहीं लगती, और आप तो केवल पराक्रमी ही नहीं हमारे पड़ोसी भी हैं। आपने जिस प्रकार अति महत्वाकांक्षी कौशल नरेश को पाठ पढ़ाया है वो प्रशंसनीय है। आपका स्वागत है। महाराज हमें लगा आपके साथ हमारी बहन वैदेही भी होगी। महाराज प्रसन्नजीत, आपको हमें यहाँ देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। आपने शाक्यों के साथ संधि करके अत्यंत बुद्धिमानी का काम किया है। स्वागत है आपका, पधारे। तुम यशोधरा को कभी हासिल नहीं कर पाओगे। भाग्य के पास से पलटते हुए देर नहीं लगती ज्येष्ठ। वैशाली नरेश की जय। वैशाली नरेश की जय। वैशाली नरेश की जय। वैशाली नरेश की निखिल नरेश आए हैं, अर्थात आम्रपाली भी आई हुई। हाँ हाँ, आम्रपाली भी। वैशाली नरेश की जय। वैशाली नरेश की जय। वैशाली नरेश की जय। वैशाली नरेश, स्वागत है लक्ष्मी नरेश, स्वागत है आप। वैशाली नरेश की जय। वैशाली नरेश की वैशाली नरेश की जय। वैशाली नरेश की स्वागत है। वैशाली नरेश की जय। क्षमा कीजिए, रास्ते में देर हो गई, लेकिन मैं अपने दिए हुए वचन के अनुसार वैशाली की नगरवधु आम्रपाली को साथ लाया। आपने वचन निभाकर हमें सम्मानित किया। ऐसे प्रसंग को एक और नाम देना चाहिए, राजाओं का मिलन उत्सव। लक्ष्मी नरेश, जब से हम यहाँ आए तब से सभी की जीवा पर जैसे आम्रपाली ही नाच रही। क्यों ना हो, संपूर्ण भारत वर्ष में उस जैसी कुशल नृत्यांगना और सौंदर्यवती है कहाँ। महाराज बिंबिसार, हमारे वैशाली में तो उसकी प्रशंसा में कहते हैं कि उसके रूप के आगे राजा अपना मुकुट, ब्राह्मण अपना शास्त्र, सैनिक अपनी तलवार और एक गृहस्थ अपना जीवन तक दांव पे लगा देता है। अति प्रशंसनीय, पर हम कैसे मान ले। वो आम्रपाली है, वैशाली की नगर वधु, चाहे तो देखकर परख सकते हैं। आपके बखान में अर्थ कम घमंड अधिक है। वो तो है, बड़े बड़े क्षत्रियों का पुरुषत्व वो अपने सौंदर्य के तराजू में तोल लेती है। अब तो अवश्य देखना पड़ेगा किसका पल्ला भारी है।
आयुष्यमान भव, सौभाग्यवती भव। सदा सुखी रहो। जीते रहो। तुम यशोधरा की मां हो, इससे किसी भी तरह की मर्यादा भंग हो जाए तो क्षमा करना। समझना कि मेरे पालन पोषण में कोई क्षति रह गई। नहीं अमिता दीदी, महाराज आज से मेरी यशोधरा आपकी हुई। इच्छा तो बहुत थी कि अपनी पुत्री की विदाई देवदास से करता। जी छोटा ना करे राजा धनपानी, देवी मगध नरेश बिंबिसार आपसे भेंट करना चाहते हैं। मगध नरेश, आमंत्रित करो उन्हें। मगध नरेश का स्वागत है। कहिए महाराज, आपका हमसे क्या काम? तुम पहली नगर वधु हो जो मगध नरेश बिंबिसार के स्वागत के लिए खड़ी नहीं हुई। क्या करे महाराज, विवश हूं, घुंघरू जो बांध रही हूं अधूरा नहीं छोड़ सकती। कला के भी कुछ नियम हैं। विराजे। वाह, इतने वर्षों के पश्चात सौंदर्य और चातुर्य का योग एक साथ देखा। मैंने तुम्हारी इतनी प्रशंसा सुनी कि मैं स्वयं को रोक ना सका। सुना है कि तुम्हारा रूप किसी को भी मोहित कर सकता है। ठीक सुना है आपने। आप चाहे तो परख ले हमें। इतना आत्मविश्वास। कहते हैं कि विवाह के दिन वर को वधु से कोई विमुख नहीं कर सकता। यदि तुम कुछ देर के लिए सिद्धार्थ को मोहित करके अपने मोहपाश में जकड़ लो तो आप क्या हारेंगे? क्या जीतना चाहती हो? अवसर तो ऐसा है कि चाहूं तो मगध मांग लूं, लेकिन अगर मगध नरेश भी मिल जाए तो भी बहुत है। क्या चाहती हो? यदि आप हार गए तो ये बंधे हुए घुंघरू आप खोलेंगे, और यदि तुम हार गई तो मगध प्रदेश में मेरा एक भवन होगा केवल आपके लिए। अर्थात दोनों ही सूरत में मैं ही जीता आम्रपाली। कैसे?
यदि मैं हार गया तो घुंघरू खोलते समय तुम्हारे चरण स्पर्श करने का अवसर प्राप्त होगा, और मैं जीता तो तुम्हारे चरण मगध में होंगे।